आखिर ज्यादातर छातों के हैंडल टेढ़े क्यों होते हैं और काली चाय को पी के हम कौन से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं और शॉपिंग कार्ट में ये लूप क्यों होता है। तो ऐसे ही झन्नाट फैक्ट जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है कि सिर्फ एक मधुमक्खी को 1 पाउंड शहद का उत्पादन करने के लिए दोस्तों उसे 2 मिलियन फूलों का दौरा करना पड़ता है, तब कहीं जाके वो 1 पाउंड शहद का उत्पादन कर पाती है। नंबर 4, दोस्तों आपने भी तो कभी न कभी ब्लैक टी तो पी ही होगी, बट दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यह काली चाय को पीने से फेफड़ों को धूम्रपान से होने वाले नुकसान को भी रोका जा सकता है। नंबर 3, दोस्तों इसे देखिए, इसे देखकर तो आपको यही लग रहा होगा कि यह चूहे का बच्चा है, पर दोस्तों आपको बता दूं कि यह कोई चूहे का बच्चा नहीं है, बल्कि दोस्तों यह एक पांडा का बच्चा है जो कि दोस्तों जन्म के समय यह एक माउस से भी छोटा होता है और दोस्तों इसका वजन लगभग 4 औंस होता है। नंबर 2, दोस्तों आपने भी तो कभी न कभी शॉपिंग कार्ट में ये लूप तो देखा ही होगा, पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये लूप आखिर क्यों होता है। तो दोस्तों शॉपिंग कार्ट में ये लूप इसलिए होता है ताकि आप अंडे या ब्रेड जैसी सॉफ्ट वस्तुओं का थैला रख सके। नंबर 4, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ज्यादातर छातों के हैंडल टेढ़े ही क्यों होते हैं, आखिर ज्यादातर सीधा क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ज्यादातर छातों के हैंडल टेढ़े इसलिए होते हैं क्योंकि दोस्तों टेढ़े हैंडल वाले छाते सीधे हैंडल वाले छातों के मुकाबले अधिक से अधिक समय तक टांगने के लिए उपयोग में आता है, और वहीं दोस्तों जो सीधे हैंडल वाले छाते होते हैं उनमें दोस्तों टांगने के लिए एक छोटी सी रस्सी दी जाती है जो दोस्तों अधिक समय तक ना चल के वो रस्सी या तो टूट जाती है या फिर निकल जाती है, जिससे दोस्तों उसे टांगने में परेशानी आने लगती है। इसीलिए ज्यादातर छातों का हैंडल टेढ़ा रखा जाता है ताकि आप उसे लंबे समय तक टांगने में उपयोग कर सकें।